So hey guys, welcome back to another video of Deeps Computer. My name is Deepak and in this video I am going to show you कि आप IGI-2 multiplayer 2019 में कैसे खेल सकते हैं। So आप कह रहे होंगे अभी तो सब PUBG खेलेंगे 2019 है, but अभी भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास हाई एंड पीसी या हाई एंड मोबाइल नहीं है, पीसी है पर लो एंड है, तो उसमें IGI-2 मल्टीप्लेयर खेलते हैं। सो मैं भी उनमें से एक को समझ लीजिए। मैं PUBG मेरे मोबाइल में भी नहीं चलता, ना मेरे पीसी में चलता है। PUBG पीसी लाइट मैंने ट्राई किया था पर मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं है कि लाइट को, और VPN का प्रॉब्लम आता था PUBG पीसी लाइट में, इसीलिए मैंने वो खेलना बंद कर दिया PUBG पीसी लाइट। वरना मेरे पीसी में चलता था PUBG पीसी लाइट, चल सकता है अभी भी। जब तक इंडिया का सर्वर नहीं आएगा तब तक मैं प्ले नहीं कर पाऊँगा। इंडिया में लॉन्च नहीं होगा ऑफिशियल PUBG पीसी लाइट। तो अभी IGI-2 मैं खेलता हूँ, सर्वर ज्वाइन करता हूँ IGI-2 का मल्टीप्लेयर का, तो बहुत अभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी दे रहा हूँ उस पर। तो कैसे ज्वाइन करते हैं सर्वर को वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले आपको उसके लिए अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पे deepscomputer.blogspot.com पे जाना होगा, और द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ लिंक दी गई है, उस वेबसाइट पे जाओ। सो deepscomputer.blogspot.com इस वेबसाइट पर जाना है। सो जैसे कि वेबसाइट ओपन हो रही है, वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको पहले ही इस पर दिखेगा या फिर आपको सर्च करना होगा। सर्च यहाँ नीचे है गाइस, सॉरी गाइस मैंने साइट अभी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी। सो अभी तो ये है और आपको सर्च करना पड़ा, आप लेट आए थोड़ा वीडियो अपलोड करने के बाद। सर्च यहाँ है, आप सर्च कर सकते हो यहाँ गाइस। ओके गाइस, यहाँ सर्च कर सकते हो वेबसाइट पे लास्ट में, पर अभी तो वीडियो अभी है इसलिए इस साइट पे पहले से ही, यानी कि मैंने वीडियो बनाने के लिए साइट पे अभी भी पब्लिश किया है इसलिए। सो ये दोनों है गाइस। सो जैसे कि IGI-2 कन्वर्ट स्ट्राइक लिखा हुआ है, ये सर्वर जॉइनर घोस्ट लॉन्चर बोल के सर्वर जॉइनर है। पहले आपको ये एक डाउनलोड कर लेना होगा इनमें से एक, और इनमें से एक आपको डायरेक्ट कंप्लीट मैप्स एक डाउनलोड करना है, तो इस लिंक पे जाइए या फिर आप इन लिंक पे से सिंगल डाउनलोड कर सकते हैं मैप। तो आपको पहले इन मैप्स को डाउनलोड कर लेना होगा और इस घोस्ट लॉन्चर को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद मैं आपको डेस्कटॉप पे बताता हूँ क्या करना है। सो चलिए इधर चलते हैं। सो गाइस जैसे कि डाउनलोड्स में आते हैं हम। तो आपने सब मैप एक साथ डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह के RAR आ जाएंगे आपके पास। तो इन सब RAR को आपको इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। फिर इन सब RAR को एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइस मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। RAR के मैप आगे डालने से पहले आपको लेना होगा वो घोस्ट लॉन्चर आपने डाउनलोड किया था, जैसे कि है वो घोस्ट लॉन्चर गाइस। ये आपको ये डाउनलोड कर लेना होगा सबसे पहले ही लिंक दी हुई है इसकी। तो ये डाउनलोड करने के बाद इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। सो गाइस एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो फाइल है, ये फाइल आपको कॉपी करके आपके IGI-2 के फोल्डर में पेस्ट करनी होगी। IGI-2 के फ्रेम जहाँ आपका IGI-2 गेम इंस्टॉल है। फर्स्ट आपको सिर्फ ये सर्वर कैसे ज्वाइन करना है इसकी फाइल मिलती है, और आपको IGI-2 के मैप्स मिलते हैं ज्वाइन करने के लिए। बिना मैप के आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, वो एरर बताएगा बिना मैप के गाइस। वहाँ जो मैप चल रहा है वो मैप आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि IGI-2 में आ गए गाइस, तो यहाँ पे PC में फोल्डर में जाने के बाद यहाँ आपको ये घोस्ट लॉन्चर पेस्ट करना होगा। पहले पेस्ट करने के बाद यहाँ आपने जो मैप एक्सट्रैक्ट किए होंगे, जैसे कि डाउनलोड्स में फिर से जाएंगे और ये मैप्स जो है, तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्टेड मैप्स है। आपको ये मैप्स कॉपी करने होंगे। कॉपी करने के बाद गाइस आपको मिशंस में आना होगा IGI-2 में, और मल्टीप्लेयर में जाके इन जगह पे, यहाँ इस पाथ पे ये जो पाथ है ना, इस पाथ पे आपको पेस्ट करना होगा IGI-2 PC मिशंस मल्टीप्लेयर। इस पाथ पे आपको पेस्ट करने होंगे वो सारे डाउनलोडेड मैप्स एक्सट्रैक्ट किए हुए गाइस। ओके, सो वो मैप पेस्ट करने के बाद गाइस आपको सिंपली बैक लेना होगा। फिर घोस्ट लॉन्चर है, आपको ये ओपन नहीं करना है, आपको ये ओपन करना है गाइस। रिफ्रेश कर लेते हैं, पेस्ट करने के बाद आपको ये ओपन करना है। डबल क्लिक कीजिए उस पर और एक बार डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, वो ओपन है, थोड़ा वक्त लगाता है। डबल क्लिक करना होगा अगेन आपको, थोड़ा वेट कीजिए उसके ओपन होने तक का। सो ये ओपन हो चुका है यहाँ गाइस। यहाँ देखिए लॉगिन टू लॉन्चर और एग्जिट ऑप्शन है। सो गाइस लॉगिन पे मैंने ऑलरेडी मैं खेलता हूँ तो गेम लॉगिन पे लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। सो लॉगिन की ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस ये नुस्खा। आपको अगर आपने पेस्ट किया तो आपको ऑप्शन क्या आएंगे मैं बताता हूँ। यहाँ आपको लॉगिन ऑप्शन आएगा और यहाँ साइन अप ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपने ओपन किया तो आपको यहाँ साइन अप ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करना होगा और साइन अप कर लेना होगा। छोटी सी प्रोसेस है बस, आपको आपका नाम डालना होगा, यूज़र नेम जो आप खेलेंगे गेम में। ओके गाइस, और फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेना होगा। सो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये प्ले सिंगल प्लेयर का ऑप्शन है और हमें मल्टीप्लेयर खेलना है, इसलिए प्ले पे क्लिक कीजिए, नो प्ले सिंगल प्लेयर पे नहीं। और यहाँ पे वो ऑल एक्सेस पूछेगा सबसे पहली बात। सो एक्सेस ग्रांट करने के बाद उसको यहाँ वो सर्वर चेक कर रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, कोई सर्वर है क्या अभी ऑन। सो ये इतने सर्वर अभी ऑन है गाइस, और इन सर्वर दो प्लेयर खेल रहे हैं गाइस। ओके गाइस, सो जैसे कि ये प्रीवियस मैप है, आपके इसमें होना चाहिए ये मैप, तभी आप ओपन कर पाओगे इस मल्टीप्लेयर ओपनिंग को। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ ज्वाइन पे क्लिक करना होगा ज्वाइन करने के लिए, और इसी तरह से आप हम IGI-2 मल्टीप्लेयर खेल सकते हो 2019 में गाइस। ओके, सो एक बार मैं आपको ज्वाइन करके बता देता हूँ, पहले गेम कैप्चर ऑन है या नहीं वो देख लेता हूँ। सो गेम कैप्चर ऑन कर लेता हूँ गाइस। सो फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग पे जाऊँगा गाइस पहले मैं। सो ज्वाइन गेम पे क्लिक करूँगा। सो ज्वाइन गेम पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सी तरह से गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो IGI-2 मल्टीप्लेयर।